नमस्कार, मैं दक्षास सिला खबर 24 के साथ। आइए आपको बताते हैं झालावाड़ जिले और मंदसौर जिले की तमाम बड़ी खबरें विस्तार से। शुरुआत करते हैं झालावाड़ से। झालावाड़ कोतवाली में दर्ज एनडीपीसी एक्ट के तहत प्रकरण में फरार चल रहे मुजरिम को गिरफ्तार करने में सफलता पाई गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी कामखेड़ा थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार द्वारा मुजरिम को गिरफ्तार किया गया। एनडीपीसी एक्ट पुलिस थाना अधिकारी कोतवाल झालावाड़ में फरार चल रहे मुजरिम राजाराम उर्फ राबू राजू उर्फ भगवान सिंह रुहेला निवासी सरखंडी कला थाना घाटोली को सरकंडी में माल से गिरफ्तार किया गया। उक्त मामला झालावाड़ कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां पर एनडीपीसी एक्ट में 5 मार्च को 208 ग्राम स्मैक पुलिस द्वारा नाकाबंदी के दौरान बरामद की गई थी। कुछ समय उक्त मुजरिम राजाराम बाइक पर पीछे सवार था, तभी से यह फरार चल रहा है। झालावाड़ में 22 मई को 100 दिवसीय तंबाकू निरीक्षण झालावाड़ में 22 मई को 100 दिवसीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम का आयोजन के अंतर्गत राज्य तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ NHM राजस्थान सरकार द्वारा NRC सक्रिय संस्था फिल्म संस्था SRKPS व रितान वेशी योग फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में सोशल मीडिया आधारित एक डिजिटल जागरूक अभियान व वीडियो प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। झालावाड़ में 22 मई तंबाकू मुक्त राजस्थान अभियान के तहत झालावाड़ को जयपुर में आयोजित इस राज्य स्तरीय वाद विवाद प्रतियोगिता में झालावाड़ भवानी मंडी से सेठ आनंदीलाल पोद्दार विद्यालय के कुलदीप शर्मा पुत्र विष्णु प्रसाद शर्मा ने झालावाड़ जिले का प्रतिनिधित्व किया। कुलदीप शर्मा का चयन जिले के 3 लाख विद्यार्थियों में से किया गया था। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर साजिद खान ने बताया कि चिकित्सा विभाग जयपुर की ओर से चलाए जा रहे तंबाकू मुक्त राजस्थान अभियान की 100 दिवसीय कार्य योजना के अंतर्गत जयपुर में राज्य स्तरीय वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। प्रतियोगिता में हर जिले से एक एक विद्यार्थियों को प्रतिभागित किया गया था। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु राज्य सरकार एवं परिवार कल्याण सेवा संस्था जयपुर में आमंत्रित यह प्रोग्राम किया गया था। डक पुलिस ने रतनपुरा रोड स्थित जलाशय से अवैध रूप से बंजरी का खनन करते हुए ट्रैक्टर व ट्रॉली जब्त किया। चालक जाखिम निवासी धारा सिंह पुत्र मान सिंह को किया गिरफ्तार। डक सहायक निरीक्षक प्रेम बिहारी ने बताया कि गश्त के दौरान थाना क्षेत्र के रतनपुरा रोड पर स्थित जलाशय से अवैध खनन करते हुए एक ट्रक ट्रॉली को जब्त किया गया व चालक धारक सिंह को गिरफ्तार कर माइनिंग एक्ट के तहत धाराओं में मामला दर्ज किया गया। पिड़ावा क्षेत्र के आवर पिड़ावा मार्ग पर क्रेन की टक्कर से बाइक सवार किशोर की मौत हो गई। क्षेत्र के हतुनिया गाँव निवासी 16 वर्षीय किशोर विजय कुमार पुत्र गोर्धन लाल मेघवाल बाइक से अपनी माँ के साथ सारगा खेड़ा से राशन के गेहूं लेकर गांव वापस आ रहे थे, तभी कोटली व हतुनिया गांव के बीच जा रही क्रेन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे किशोर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिससे उन्हें पिड़ावा चिकित्सालय में पहुंचाया गया, जहां जांच के बाद चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। सूचना के बाद पुलिस भी अस्पताल पहुँच गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर झालावाड़ जिले चौमहला कस्बे में आज जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी झालावाड़ व उनकी टीम्स ने निरीक्षण कर खाद्य पदार्थ मावे व दूध के 2-2 सैंपल लिए, जिसमें जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी चंद्रवीर सिंह जादौन ने बताया कि जिला प्रशासन एवं मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी झालावाड़ के आदेश अनुसार चौमहला में राजेंद्र दूध डेयरी का निरीक्षण किया गया, जिसमें निरीक्षण के दौरान दूध व डेयरी से 2-2 नमूने मावे और दूध के खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत लिए गए, जिन्हें खाद्य प्रयोगशाला में कोटा के अंदर नियमानुसार भेजा गया है व रिपोर्ट के आधार पर विक्रेता के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा इसी प्रकार 2 गोदामों की तहसीलदार गंगधार थाने के जाप्ता व हमारे द्वारा जांच की गई है, जिसके तहत कोई भी खाद्य पदार्थ नहीं पाया गया। सर, क्या मामला है, क्या कार्रवाई हुई? देखिए, आज सुबह मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झालावाड़ द्वारा मौखिक आदेश दिए गए कि आप चौमेला जाइए और वहाँ अमित भंडारी की फर्म है, वहाँ आप कार्रवाई करिए। तो हमने उनके दुकान से 2 खाद्य पदार्थ नमूने अपने
दूध का और एक मावे का नमूना फूड सेफ्टी एक्ट के अनुसार लिया गया है। और फिर इनकी एक फैक्ट्री है यहाँ पर, जो उस पर भी हमने इनको खुलवाया गया, वहाँ पर ही हमको शिकायत मिली थी यहाँ पर कुछ खाने पीने की चीज़ बनती है। मौके पर हम लोग आए हुए हैं, साथ में तहसीलदार साहब भी हैं। चौमेला विधि विधान से भूमिया महाराज की मूर्ति स्थापना की गई। कार्यक्रम के मुख्य आयोजन लक्ष्मण पटेल व यज्ञ आचार्य मदनलाल प्रधान ने बताया कि मूर्ति स्थापना के अंतर्गत 5 दिवसीय अनुसंधान अनुष्ठान किए गए। पूरे कंजरखेड़ा को गंगा जल से पवित्र किया गया। प्रत्येक घर पर भगवा ध्वज लहराया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत कंजर समाज की महिलाओं ने शराब का सेवन नहीं करने का संकल्प लिया व पुरुषों ने भी अपनी बुरी आदतों को छोड़ने का संकल्प लिया गया। हमने एक मुहूर्त निकाल कर के 5 ब्राह्मणों के द्वारा 5 दिवसीय कार्यक्रम का यहाँ आयोजन रखा। इस आयोजन में भोनिया जी महाराज का जप अनुष्ठान किया गया और आज दशांश हवन कर रहे हैं, आज ही इनकी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। इसके उपलक्ष्य में इन कंजर समाज की महिलाओं ने 110 महिलाओं ने शराब छोड़ी है और भगवान का नाम का गुणगान करना स्वीकार किया है। और सभी कंजर लोगों ने भी कहा कि आज से हम बुरे कर्मों को त्याग कर देंगे और गुरुदेव इसी प्रकार हमारे ऊपर आशीर्वाद बना के रहे ताकि हम अगले साल आने वाले वर्ष में। खानपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। खानपुर थाना अधिकारी कमल सिंह ने बताया कि अवैध खनन करते हुए 2 ट्रैक्टर ट्राली समेत आरोपियों को किया गिरफ्तार। खानपुर थाना क्षेत्र के बरदवड़ा के समीप पहाड़ी से भरकर लाते वक्त की गई थी कार्रवाई। अवैध खनन करता गिरफ्तार व 2 ट्रैक्टर ट्राली भी पकड़ी गई। शामगढ़ में राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर मनाई गई जायसवाल कृषि फॉर्म पर इससे उपस्थित रहे कांग्रेस नेता, ब्लॉक अध्यक्ष सोनूभाई जायसवाल, नगर अध्यक्ष पंकज मुंजा वधिया, एलजी पवन पांडे, राकेश गी, फिरोज भाई, गोपाल मालवी, खाती पटेल, फारूक भाई बबलू में व सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर व श्रद्धांजलि दी गई। टिकट मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस द्वारा सोच समझ कर सभी प्रकार के टिकट दिए जाएंगे और जो सक्रिय रहा है, जिसने कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया है, उसी को प्राथमिकता दी जाएगी। मंदसौर पुलिस अधिकारी अनुराग सुजानिया के निर्देशानुसार मॉडिफाइड साइलेंसर तथा ब्लैक फिल्म वाली वाहनों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस कड़ी में शुक्रवार को थाना यातायात पुलिस मंदसौर द्वारा ग्राम डोडिया मीणा से बुलेट वाहन को मॉडिफाइड साइलेंसर व फटाके की आवाज़ बजाने पर जब्त किया गया। यातायात थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि उक्त बुलेट द्वारा मंदसौर शहर में कई बार फटाकों की आवाज़ मुख्य मार्गों पर करने की सूचना प्राप्त थी, जिसके बाद पुलिस द्वारा इसकी तलाश की जा रही थी। आखिरकार शुक्रवार को यह बुलेट वाहन ग्राम डोडिया मीणा निवासी सुरेंद्र दायमा पिता गुल्लाराम से जब्त कर ली गई। डोडी मीणा पहुंची यातायात टीम बुलेट यातायात थाना लेकर पहुंची व उक्त कार्रवाई की गई। मंदसौर अनुराग सुजानिया द्वारा इनामी फरार आरोपी वारंट को धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत महेंद्र ताड़नेकर अति पुलिस अधिकारी महोदय गरोट जिला मंदसौर के मार्गदर्शन एवं फुल सिंह परस्ते अनुविभाग अधिकारी थाना अनुविभाग गरोट के निर्देश में थाना प्रभारी गांधी सागर लाख सिंह राजपूत व उनकी टीम द्वारा वर्ष 2006 से फरार वारंटी लक्ष्मण पिता मांगीलाल मेघवाल उम्र 40 वर्ष निवासी अतरालिया जिन्हें के विरुद्ध थाना गांधी सागर पर अपक्रमांक 40.06 धारा 420, 467, 468, 470 व 471 भादवी का अपराध पंजीकृत होकर आरोपी 2006 से फरार था, जिसका माननीय न्यायालय में स्थानीय वारंट जारी किया जा चुका था। आरोपी पर 5100 रुपये का इनाम भी घोषित किया हुआ है। मंदसौर में सामाजिक स्थान टीम पंछी बचाओ अभियान एवं संस्था बीआर फाउंडेशन के साउंडेशन व तत्वाधान में नगर में पंछियों के लिए जल पात्र सरोके व परिंडे वितरित किए गए। संस्थानों द्वारा नगर में 1100 सरोके वितरित किए गए। अभियान की जिला विविध प्राधिकरण अधिकारी व समाज सेवियों ने हरी झंडी दिखाकर शुरुआत की गई। आपको बता दें कि दोनों संस्थान द्वारा
निरंतर 3 सालों से बेजुबान जानवरों व पक्षियों के लिए परिंडे लगाए जा रहे हैं। आज मंदसौर में संस्थाओं द्वारा परिंडे लगाने का अभियान चलाया जा रहा है। कार्यक्रम की सर्वप्रथम शुरुआत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर की गई। अभियान में जिला विविध प्राधिकारी अधिकारी प्रवीण पुनिया, वरिष्ठ समाजसेवी सुनील बंसल, इंजीनियर नाहरू भाई, वरिष्ठ पत्रकार नेमीचंद राठौड़, संस्था अध्यक्ष दिनेश जोशी, संस्थापक राकेश भाटी, कृष्णा परिहार, संयोजक अंकित बैरागी सहित दोनों संस्थानों के पदाधिकारी व समस्त गण मौजूद रहे। फिलहाल खबरों में इतना ही, फिर मिलेंगे और बड़ी खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए खबर 24, हर कदम आपके साथ। धन्यवाद। चक्की चल रही कबीर बैठा रोई, दोनों पुड़ के बीच में तो साजान निकले जिको। के माता दाऊ एक लीर बन जारा रे बन जारा रे रे आ दूर दे चरा है मामला अब जा साहिब ने महल बनाई बन जा रहा रे बन जा रहा रे हाँ गहरी गहरी माहे बीन बजाई बन जा रहा हूँ छोड़ के मत जाओ एक नीरा बन जा रहा रे बन जा रहा रे स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचोरी एंड मिस्टर भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग पल दो पल स्वाद हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरा लाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिस्टर भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजेटागिज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, बहानी मंडी।